આવ્યો નહી, હમણાં અર્જન્ટ કામ હોય. ભેંડો લીધી કે એના માટે મેં કિતના ના બોલા ઇન લોકો બોલ રહે કે નહીં 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 શામ કો ખાના મત પાર્ટી દેંગે પાર્ટી દેંગે પાર્ટી દેંગે. અરે કોઈ વાત નહીં ચલ બ્રો શામ કો ક્યા યાદ રખે. અરે યે દો બેક ટુ બેક દો પાર્ટી આયેગી કીધી. અભી એન્ગેજમેન્ટ હૈ 18 કો મેરેજ એનિવર્સરી હૈ તો શાદી કા વો એનિવર્સરી કા કિતના બડા ફંક્શન તો રખા. હા વો બડા ફંક્શન હૈ તો ફિર વો તો અલગ હૈ ના વો આપકા અલગ હૈ. કિતના ના બોલા કિતના ના બોલા ફિર ભી 18 કો ભી બોલ રહે ખાના ખાયેંગે જાયેંગે બહાર હમ પાર્ટી દેંગે. तो हमारी दो दिन की पार्टी सेट हो गई. दिन ही इधर 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 एंगेजमेंट हुआ था. मजा. थैंक यू ब्रो. पार्टी क्या है अपन? पार्टी पार्टी है बॉब. तेल लेने गए एंगेजमेंट है ना. पर वाली बिस्किट पे फोकस करते हैं. देखो कॉर्नर कला कला बहुत तुरे बोला है. हम ऑफिस आ चुके हैं और खतरे के कपात में घुस चुके हैं. लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है. कुछ दिनों से कोई फंसा नहीं कुछ नहीं. वैसे ही हम भी पहुँच ही गए बस हमारी मंजिल में. आज मैं ऑफिस जल्दी आ गया हूँ क्योंकि जल्दी उठ गए थे क्योंकि मेरे को बॉक को वॉशरूम ले जाना होता है तो जल्दी उठ जाता हूँ और उसके बाद मैं सोता नहीं क्योंकि उसके बाद मुझे पता है मैं सोऊंगा तो डायरेक्ट 10-11 बजेंगे. फिर मतलब नहीं है यार ऑफिस आते आते 12-1 बज जाएंगे. उनके लिए ऐसा कुछ एडिटिंग वर्क ऐसा कुछ है भी नहीं. लेकिन फिर भी नहीं मज़ा आता. इधर आए ना तो कुछ ना कुछ सोचा जाता है. कुछ ना कुछ कर सकते हैं. कुछ रील क्रिएट कर दिया कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन घर पर रह के वो चीज़ नहीं कर सकते. तो मेरा मानना है कि आ जाओ यहाँ पर कुछ काम हो ना हो. और ये तभी आ सकते हैं आप जब आपका काम आपका पैशन हो. अगर आप आपके विदाउट पैशन में काम में हो तो आप ये सोचेंगे कि अरे यार क्या ऑफिस जाना. So good morning guys, I am in my happy world, happiest place in the world. चलो तो थोड़ी पूजा वूजा करके बैठ जाते हैं हमारे सिंहासन पे और करते कुछ ना कुछ. कुछ सोचते कुछ क्रिएट करते समथिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. ये देखो पूर्वी कल कॉल करके मेरे को पूछ रहा था कि हमने रील बनाया था वो स्पीकर मिल नहीं रहा. तो मैंने बोला था शायद कार में होगा या फिर शायद ऑफिस पे होगा. तो बोला ऑफिस पे तो है ही नहीं. लेकिन ये क्या है भाई. अब उसके आने के बाद उसका एक्सक्यूज सुनेंगे. अभी आज तो कौन आने वाला है ऑफिस पता नहीं. लालू रोहित विरल आएगा. ध्रुव का शायद आज ऑर्डर आज उसका वेडिंग का शूट नहीं है. शायद वो आ सकता है. देखते हैं कौन कौन आता है क्या कर पाते हैं. वैसे रील तो है मेरा एक पेंडिंग. वैलेंटाइन का मैंने बहुत पहले से बना के रखा है सो वो डाल देते हैं. लेकिन मेरे को और एक बनाना था लेकिन अभी तक मेरे को कुछ ऐसा माइंड स्ट्राइक नहीं हुआ कि और एक बनाओ. नहीं आ रहा तो नहीं बनाएंगे. कुछ भी बना के तो नहीं डालेंगे. एक तो है ही वैलेंटाइन का बनाया हुआ मैंने. वो अच्छा ही है. सो गाइस बज चुके हैं 12 और मैंने काफ़ी सारे रील्स क्रिएट किए. मतलब जो हमारा वेब सीरीज़ का एपिसोड आया है उसमें से मैंने बहुत अच्छे अच्छे रील्स क्रिएट किए जो धीरे धीरे पोस्ट होंगे. बाकी कब से पता नहीं क्या काम चल रहा है यहाँ पे. अरे बाबा रे ये सब क्या है भाई. कब से उधम मचाए हुए हो भाई. धड़म धुड़म करे ऊपर क्या अपने कमर्शियल टावर है. नेटवर्क का जो टावर आता है ना वो है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चल रहा है. कल भी वो बड़ी वाली क्रेन आई हुई थी कुछ कर रहे थे पता नहीं क्या कर रहे थे. स्टॉप हो रहा है मेरे को. बच्चू क्या अभी तक कोई किसी का आता पता नहीं है इधर. लेकिन मेरे को घर पे रहना पसंद नहीं है तो भाई मैं इधर आ जाता हूँ. मैं तो करता हूँ कुछ ना कुछ. तो और बहुत अच्छा इतने सारे मैंने रील क्रिएट किए थे. आदमी है ना कभी अपनी क्या बोलते हैं बीवी भूल जाएगा रोड पे क्योंकि इतना बड़ा बैग. तेरे को पता है इधर यहाँ पे अपन शूट कर रहे थे नीचे पता है. तू एकदम रंग बिरंगी कपड़े वाला शॉपिंग पे निकलने वाला सीन वो शूट कर रहे थे तो वहाँ पे उसको उसका बैग बीच में आ रहा था तो उसने मैंने बोला साइड में जाके वो गाड़ी पे रख दे. उधर रख दिया. वहाँ से विरासत शूट करने गए सब शूट करने गए पता है. उसके बाद दूसरे दिन हम कहाँ जा रहे थे शूट करने जा रहे थे. दूसरे दिन शाम को डायरेक्ट अचानक टर्न मारो गाड़ी ने. क्या हुआ आओ फटाफट आओ. इसको लगा कुछ मगज मारी हो. मेरे को लगा किसी को लड़की के साथ देख लिया. तेरा ही ख्याल आया था मेरे को माँ कसम. तू लड़की के साथ पकड़ लिया. फटाफट उधर गए. वहां पे नीचे रोड में धूल मट्टी में उसका वो बैग पड़ा हुआ था.
कॉफी वाला अभी 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 सब चीज़ ऐसे भूल मतलब नहीं मिल रही थी। हेलो जो भाई छेल्ले में तने पेन ड्राइव आपेली हती डेटा लेवा माटे इना पछी नो कोई अपडेट नहीं। लालू को गरम कर रहा है। कैमरा चेक कराई रे भाई। तो कैमरा काडी चेक करू मैं अपना नीचे जाती है विपुल एसी पाया आपने विपुल एसी पाया नहीं पण छेल्ले में तने तारा मा आयो नहीं हमरा अर्जेंट काम होई देडी वाला भी रात ना मने काम होतो अर्जेंट पेन ड्राइव लीधी केना माटे मैं मारी बा फालतो ना टाइम में हमरा 3000 रुपया ने लीधा એટલે તમે હોટેલ લેવા માટે નહીં કરો મારા થી ભૂલાઈ જાય કઈ કમે એટલે જે ખાંડી રાખજે મે આવું છું એ નીચે લાવ એટલે જોઈએ હા હોટેલ લઈ લેજો ભાઈ મે આવું ત્યારે હા દીચા आज उर्मिल गया पॉम पॉम में उर्मिल गया आज। उसकी ये पेन ड्राइव कब से नहीं मिल रही थी, सब पे चढ़ रहा है, इसको बोल रहा है, रोहित को बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है, लालू को बोल रहा है। मेरी तो इतनी घिसी है ना भाई, उसका पीछे का वो निकल गया, इतने टक घिसी है। ये पीसी वापर रहा है, मेरी पेन ड्राइव वापरी, उसका तो कुछ नहीं, सब सब ढीला टुकड़ा ही है, सब लिया हुआ है। तो अभी मिली उसके ड्रॉअर से। लालू आएगा ना तब कांड होगा, मजा आएगा। नहीं तेरे को जाने नहीं देंगे ना, 4 बजे जाना है। चलो गाइस, तो अभी बजे शाम के कितने बजे हैं, 5 बजे हैं और हम नीचे रील शूट करने आए हैं, थोड़े रील शूट करते हैं। अभी पकड़ा जाएगा अंदर। औरत का चक्कर बाबू भैया। एकदम कड़क पकड़ लिया भाई। भाई ये तो सब मजीक मस्ती मजाक है, बाकी सब अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चलता रहता है भाई, लेकिन ऑफिशियल होते हैं तभी बताते हैं सब, ऐसा रहता है। हम पहले जब इधर आते थे चाय पीने, तब ये ऐसा कप था 20 रुपए में, ये भी छोटा ही है वैसे भी, और अभी धीरे धीरे ये कप ऐसा हो गया। आप लोगों को लगता है कि मटका चाय वहाँ क्या मस्त मज़ा आती है, लेकिन ये देखो, और अब धीरे धीरे ये छोटा हो गया। दिस इज बिजनेस, फुल मार्जिन, फुल बिजनेस। इसलिए हम भी सोच रहे कि चाय की ऐसी लाड़ी टपरी नहीं, ऐसे शोरूम ही खुलेंगे ना। अच्छा, बड़ो टपरी क्या खुले है ना, विरल की को बहुत इच्छा है कब से। मैं तो कब से बोल रहा था सब आना फिर चाय पीने, छोटा धंधा मैं नहीं करता भाई। धंधा करो तो बड़ा करो, परसोत्तम भाई वरना मत करो। तो ध्रुव का उसमें नहीं रहेगा पार्ट, जो प्रॉफिट आएगा भाई अपने, ऐसा रहने का भी नहीं है, पगार पे रखेंगे, मालिक है ध्रुव को। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो तो लेगा ना। ध्रुव ने तो ना बोल दिया, तो वो मैं तो ना ही बोल रहा हूँ, उसको काम पे रखेंगे, काम पे रख देंगे। क्या आता है तेरे को, फ्रेंच फ्राइज ऐसा कुछ कुछ बना लेता है? एक्चुअली मैं ना घर एक आदमी जूतिया तो बना ही लेता है। जो हिंदी गुजराती मिक्स बोलता है ना भाई, वो एंटरटेनिंग है, एक अलग वैल्यू है उसकी। हाँ, एंटरटेनिंग है ब्रो, कुछ भी बोले तेरा बैकग्राउंड बहुत मस्त आ रहा है। सो गाइज, हम सारा शूट वूट खत्म करके स्क्रिप्टिंग करके, केएफ की नई स्क्रिप्टिंग की बहुत अच्छा भयंकर चीज आने वाली है। अब सीरीज खत्म होने के बाद, सीरीज का थर्ड एपिसोड तो ऑलरेडी शूट हो चुका है, एडिट करना बाकी है। उसके बाद जो ये आएगा ना, ये सिंगल वीडियो आएगा, सीरीज नहीं आएगी, बहुत मजा आएगा। तो अभी हम जा रहे घर पे, फिर 10 बजे हम बॉक्स क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो बहुत मजा आएगा। तो अभी घर पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं। ओ सेठ मारो जिंगो चिक्को 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 पोरो रे, कल जा रहे हैं तेरे भाभी को मिलने। वो क्या बनाया भाई? वड़ी की सब्जी। वड़ी बहुत तंग तो ना उठाई मंदी भाई, कोई भी साथ करे मावती मत। सो गाइस, कल है वैलेंटाइन डे। हाँ, वैलेंटाइन डे मैंने जिंदगी में कभी नहीं मनाया, और कल इसी अवसर पे हम जा रहे हैं आपकी भाभी को मिलने मुंबई। तो जी हाँ, कल जा रहे हैं, मेरे को अभी रात को 4 बजे की 5 बजे की ट्रेन है, ट्रेन में छाएंगे और फिर वहां जाके धमाल मस्ती करेंगे, क्योंकि हम दोनों ऐसे ही है धमाल मस्ती वाले। कभी मैंने वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, लेकिन इस बार भी ऐसे वैलेंटाइन डे मनाने नहीं जा रहा, बस मिलना था तो वो डे चूज किया, तो अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो मैं कपड़े मैं कौन से पहनूं कल, वो सोच रहा था, तो मैंने संभाल के रखे थे 2-3, एक शर्ट है ये और एक ये ब्लैक वाली मस्त टी शर्ट है, और ये पैंट सारी नई है, कभी नहीं पहनी आज, तो वो मैंने बचा के रखे थे। तो मैंने सोचा है कि यही पहन के जाऊंगा, और एक बैग ले लूंगा छोटू सा, उसमें एक शर्ट रख दूंगा और एक टी शर्ट, क्योंकि मेरे को शर्ट में और फुल बाई की टी शर्ट में पूरा दिन रहना नहीं पसंद, मैं निकाल ही देता हूँ, नॉर्मल टी शर्ट में आ जाता, तो उसके लिए ले लिया।
तो जाएंगे और फिर नाइट में रिटर्न आ जाऊंगा मैं। है कुछ चीजें इसीलिए मिलने नहीं जा रहा, आपको जो चीजें बतानी है वो कल बताएंगे, समझे। मम्मी मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? कल वैलेंटाइन डे है तो क्यों जा रहा हूँ ऐसा तो पूछ। बहू से मिलने। कुछ गिफ्ट विफ्ट देना देना है तो कुछ पैसे देना, मेरे पास पैसे नहीं है। दे मैं कल नहीं रहूंगा तो मेरे सामने आज पापा को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल दे। चल नहीं। हाँ बोल बोल चल बोल ले। पापा गुस्से गुस्से रहेंगे। चलो भाई यहाँ पे आते ही अपन बैटिंग में आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी खेल रहे सब लोग, ध्रुव और वो सेट लाखों का माल, आज कम से कम 2,500 छक्के मारने गए भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बहुत टाइम बाद आए खेलने। लास्ट टाइम ध्रुव ने बुक किया था, ध्रुव तू नहीं था ना तब, ध्रुव ने बुक किया था बॉक्स, सबने बोला हाँ आएंगे आएंगे, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, मैं नहीं, लालू नहीं। ऐसा ही लग रहा था कि यार कोई नहीं, लालू तो फोन ही नहीं उठा, लालू फोन नहीं उठा रहा आज भी, उस दिन भी नहीं उठाया था। ध्रुव उसको गाली दे, और लास्ट टाइम ध्रुव अकेला आया और अकेला रील बना के चला गया बस, और उसको 1,000 रुपए ऐसे ही देने पड़े, ज्यादा खेला भी नहीं, 2 झंडे का बुक किया था भाई। ध्रुव तू लालू को क्या बोलना चाहेगा? मारूंगा सामने यारो, ये ब्लॉग के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम में ऐसा कहना चाहता हूँ कि भाई तेरे में दम नहीं, ऐसा बोल दे मेरे को, मेरे सामने खेलने का जिगरा नहीं है उसमें, इसके लिए नहीं हर बार नहीं आता है, एक बार खंगेरा जा जा फटाफट खत्म कर गया रन, कैसे कर देते। चलो भाई आज बैड लग रहा, मैं नहीं खेल पाया, मेरे को और जाना पड़ा ऐसा है, तो अपन मैं जाते, एक काम था